सिंधी से हिंदी में अनुवादित एक उत्कृष्ट कहानी, गरम स्पर्श, लेखक अर्जुन चावला, अनुवादक देवी नागरानी। कैप्टन मनीष को आसाम से नागालैंड में तबादले का ऑर्डर मिला तो दिल कुछ उदास होने लगा, पर और भी बहुत सारे साथियों को तबादले के ऑर्डर आए थे, ये जानकर कुछ ढाढ़स मिला। सोचा कुछ तो दोस्त साथ होंगे, वक्त अच्छा बीतेगा। नागा विद्रोहियों की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई थी, यही देखते हुए पहाड़ी फौज की 4 बटालियन कोहिमा में भेजनी ज़रूरी समझा गया। कैप्टन मनीष कोहिमा रेजिमेंट हेडक्वार्टर पर हाजिर हुए तो उसकी कंपनी को कोहिमा से 60 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में फौजी कैंप में पहुंचने का आदेश मिला। जैसे ही वे कैंप पहुंचे तो चारों ओर नज़र फिराते हुए बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, उन पर साल और देवदार के पेड़, नीचे मैदानों में चारों ओर मीलों तक फैली हरियाली और सब्ज मखमली घास, तरह तरह के कुसुमित पुष्पों ने उसका मन मोह लिया। दूसरे दिन शाम को जीप में कैंप से 2 मील की दूरी पर निरीक्षण चौकी का मुआयना करके लौटे तो रास्ते में छोटे से रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए जीप रोक दी। भीतर कोने में पड़ी टेबल पर कॉफ़ी का ऑर्डर देकर बैठे ही थे कि उनकी नज़र कुछ दूर बैठे एक जोड़े पर गई। दोनों ने मुस्कुराते गर्दन हिलाकर कैप्टन का अभिवादन किया। कैप्टन ने देखा कि दोनों स्थानीय थे, नौजवान टी शर्ट और जीन्स में और चेहरे मोहरे से नागा, पर लड़की स्कर्ट व ब्लाउज पहने हुए, खूबसूरत सुडौल जिस्म, नाक नक्श तीखा। दोनों ने आपस में खुसुर खुसुर की और उठकर कैप्टन के पास आए। हेलो सर, मे वी गिव यू कंपनी? ओ श्योर श्योर, कैप्टन ने चारों तरफ पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा कराते हुए कहा। पहाड़ी वेशभूषा में बैरा कॉफ़ी लेकर आया तो कैप्टन ने उसे 2 कप और लाने के लिए कहा। बैरा कॉफ़ी रखकर चला गया, पर वह तीनों तब तक चुप रहे, आंखों में हल्की मुस्कुराहट। पर बिना कुछ कहे नागा नौजवान ने कॉफ़ी का कप कैप्टन की ओर बढ़ाया। थैंक यू, कैप्टन ने कप लेकर उन्हें भी इशारा किया। डॉली वांगजू, नौजवान नागा ने पास बैठी लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका नाम बताया। मी फिलिप, फिर अपना नाम दोहराया। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए अपनी पहचान दी, मनीष। कैंप में लौटकर मनीष ने हाथ मुंह धोकर रात को मैस भोजन कक्ष में डिनर खाने गया। वहाँ बातों बातों में उसने मेजर खन्ना को नागा जोड़े के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया। जोड़ी तो बहुत खूबसूरत थी, पर पता नहीं चला कि उनका आपसी रिश्ता क्या है। कैप्टन ने बड़े चाह के साथ कहा, पर आपको चिंता क्यों है कि वे आपस में क्या लगते हैं? नहीं नहीं, मेरा उसमें क्या, कैप्टन ने तत्पर जवाब देकर बात को टाल दिया। दूसरे दिन पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार बागियों के खिलाफ अभियान में 3 दिन के लिए जाने का ऑर्डर मिला। कैंप से लारियों का काफिला उत्तर पूर्व की तरफ रवाना हुआ तो नौजवानों में उत्साह था। उनके चमकते चेहरों से यूं जान पड़ता था कि वे मैदान मारकर लौटेंगे। कैंप से रवाना होने पर मैदानी इलाकों से गुजरते लारियों का काफिला थोड़ी देर के लिए मिट्टी के गुबार में गुम हो गया। सिर्फ लारियों के इंजन की गड़गड़ाहट
और जू जू की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद मैदानी इलाका पार करके काफिला जैसे बोमला पहाड़ी के कच्चे रास्ते से ऊंचाई चढ़ने लगा, वैसे ही गुबार पीछे रह गया। दूर से जटिल पहाड़ी पगडंडियों में लारियों का सिलसिला इतना छोटा सा लग रहा था मानो बच्चों ने अपने लॉरी नुमा खिलौनों में चाबी भरकर एक दूसरे के पीछे छोड़ दी। कैंप में पीछे रह गए जवान हाथ हिलाकर काफिले को देर तक विदा कराते रहे। पल में ही काफिला ओझल हो गया। 3 दिन के बाद काफिला लौटा। मुखबिरों की सूचना अनुसार फौजियों ने बोमला पहाड़ियों के पीछे बागियों के अड्डे को चारों तरफ से घेराव के पहले ही बागी फरार हो गए। सारा इलाका छान मारा, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। कैप्टन मनीष दोस्तों के साथ मेस में गपशप करने के बावजूद भी बोरियत महसूस करने लगा था। एक दिन फिर जीप में बैठकर कैंप से बाहर जाकर उसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए पहुंचा। भीतर पहुंचा तो उसकी नज़र डॉली वांगजू पर पड़ी, जो कोने में पड़ी टेबल पर अखबार पढ़ रही थी। इस बार वह अकेली थी। कैप्टन मनीष अभी दूसरे कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि डॉली वहाँ से उठकर उसके पास आई। हेलो कैप्टन, डॉली ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। हेलो मैडम, हाउ डू यू डू। मनीष उसका नाम भूल गया था। डॉली ने उसे याद दिलाते हुए कहा, डॉली सर। ओ डॉली प्लीज़, कैप्टन ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा। डॉली फौरन दूसरी कुर्सी पर बैठी और उसने 3-4 दिन नज़र न आने का कारण पूछा, पर मनीष ने कैंप से आने का मौका न मिलने की वजह बताकर बात वहीं ख़त्म कर दी। दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पी। मनीष ने डॉली से उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहा। डॉली ने उसे बताया कि वो मिशनरी स्कूल से 2 साल पहले मैट्रिक पास कर चुकी है। उसके माता पिता दोनों मिशनरी स्कूल में टीचर थे। स्कूल के बाद दोनों मिशनरी के प्रचार का काम करते थे। मनीष रह रहकर डॉली की आंखों में निहारता रहा। उनमें बेहिसाब कशिश थी। बॉब कट सुनहरी बालों की लटे कभी कभी हवा के झोंके से उसके सुर्ख गालों को चूमने की कोशिश कर रही थी। जिन्हें डॉली बाएं हाथ की कनिष्ठिका के लंबे नाखून से निहायत खूबसूरत अंदाज में हटाती रही। मनीष उसके चेहरे को बार बार गौर से देख रहा था। सोच रहा था कि डॉली का नाक नक्श न बर्मी था न ही चीनी वंश का। पहाड़ियों की तरह उसका नाक चिपटा और समतल भी नहीं था, बल्कि उत्तरी भारत के मैदानी इलाके के आर्यवंश का नाक नक्श, बेपनाह हुस्न का ऐसा बुत देश के दूर दराज घनी पहाड़ियों व वादियों में भी मिल सकता है, वह सोचता रहा। मनीष का जी उठने को नहीं हो रहा था, पर कैंप में वक्त पर पहुंचना था, इसलिए डॉली की ओर मुस्कुराकर उठने लगा। डॉली ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कंधे को एक मामूली झटका देकर इजाज़त लेनी चाहिए तो मनीष से रहा नहीं गया। डॉली का हाथ हाथों में थामकर उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे उसके बेपनाह हुस्न को नज़रों से एक ही घूंट में पीना चाहता हो। डॉली की मस्ती भरी निगाहों में मनीष पल भर के लिए अपनी सुध-बुध भुला बैठा। अचानक हाथ की उंगलियों पर डॉली के सुर्ख लबों का स्पर्श महसूस करते हुए होश में आया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। खुद को संभालते हुए अगले दिन मिलने का वादा करते हुए वो मुस्कुराकर जीप में सवार होकर चला गया। पर रास्ते भर में एक अनोखा एहसास उसके साथ रहा, एक अजीब मादकता उस पर हावी रही। कैंप में लौटकर थोड़ी देर के लिए वो अपने तंबू में जाकर लेटा। काफ़ी देर तक किसी खूबसूरत ख्याल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। काश डॉली के साथ ब्याह रचाकर उसे राजस्थान में अपने घर लेकर जा सकता। आकाश की इस अप्सरा को अपनी बाहों में भरकर प्यार करता या कभी सामने बिठाकर सजदा करता। डॉली को हासिल करके काश
वह स्वर्ग के असली आनंद का अनुभव कर पाता। घड़ी पल की मुलाकात में मनीष को डॉली की शांत नीली आंखों की गहराई में एक अजीब कशिश के साथ साथ नज़दीकी और अपनापन भी नज़र आया था। दूसरे दिन फिर बागियों के खिलाफ अभियान का दूसरा चरण उत्तर पश्चिम की तरफ जोला पहाड़ियों की घाटियों में निश्चित हुआ। शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद मुखबिरों की गुप्त सूचना के अनुसार फौजी दल जोला पहाड़ियों की तरफ रवाना हुआ। बागियों का दल जोला की बड़ी पहाड़ी के पीछे छिपे रहने की जानकारी थी। फौजी जवानों ने जोला दर्रे से काफ़ी पहले लारियों को रोका और हथियारों के साथ पैदल चल पड़े। चांदनी रात थी, दुश्मन की नज़र न पड़े इसलिए छोटी छोटी टोलियों में जोला दर्रे के नज़दीकी द्वार पर पहुँचे और फौरन दो दो आदमियों के ग्रुप में तितर बितर होकर पहाड़ियों के घने झुंड की ओट में छुपकर मोर्चे संभाले बैठे रहे। कैप्टन मनीष ने अपने साथ तेज करण को रख लिया। अमावस के बाद चौथे दिन वाला चांद बहुत देर न रुक सका। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे सिपाहियों की बेसब्री बढ़ने लगी। पता नहीं, शायद सारी रात यूं ही टोहो में बैठे गुजर जाए। यूं ही इंतज़ार करते रात का अंतिम पहर आ गया। अचानक जोला दर्रे के छोर पर ऐसे लगा जैसे कुछ धुंधली परछाइयां बिना आवाज़ के आगे बढ़ रही। टोह में बैठे फौजी दल के सिपाहियों में हरकत आ गई। सभी हाथ राइफलों और मशीन गनों के ट्रिगरों पर पहुंच गए और कैप्टन मनीष के ऑर्डर का इंतज़ार करने लगे। धुंधली परछाइयां काले लिबास में धीरे धीरे उन झाड़ियों के घने झुरमुट की तरफ बढ़ रही थी जिनकी ओट में कैप्टन मनीष और सूबेदार तेज करण टोहों में बैठे थे। दूसरे दल से एक फौजी की राइफल से अचानक गोली चल जाने से दो साए एक तरफ दौड़े और दो कैप्टन के दल की तरफ। कैप्टन की पिस्तौल की गोली से एक गिर पड़ा। फौजी दस्ते के लिए कैप्टन का यह इशारा जैसे ऑर्डर था। चारों तरफ से मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जवाब में बागियों ने गोलियां चलाई पर कुछ देर के बाद जवाबी गोलियों की आवाज़ शांत हो गई। फौजी दल की गोलीबारी जारी रही। काफ़ी देर तक जवाबी गोलियों के ना आने से फौजी दल ने भी गोलीबारी बंद कर दी। पौ फटते ही रोशनी का प्रभामंडल बढ़ने लगा। फौजी पहाड़ियों से निकलकर अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए उतावले हो रहे थे पर कैप्टन ने उन्हें रोका कि कहीं दुश्मन ताक लगाए बैठा और अचानक हमला कर दे, इसलिए सिर्फ दो फौजी जाकर लाशों का निरीक्षण करें। दो नौजवानों ने आगे बढ़कर झाड़ियों से लाशें ढूंढ निकाली। कुल दो लाशें मिली। शिनाख्त करने की कोशिश की गई पर बेकार। इतने में कैप्टन और साथी भी पहुंच गए। बागियों की लाशों की पहचान पाना मुश्किल काम था। शक्ल से एक मर्द लग रहा था तो दूसरी औरत। दोनों ने गहरे नीले रंग की बुशर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। जैसे ही दो जवानों ने उल्टी पड़ी लाशों को सीधा करके लिटाया तो कैप्टन अकस्मात चौंक उठा। डॉली फिलिप, माई गॉड, ऐसा कहते कैप्टन का चेहरा शांत और गंभीर हो गया। झुककर उसने डॉली के सर्द चेहरे से बालों की लट अपनी गर्म उंगलियों से हटाकर दूर कर दी। पर डॉली का सर्द चेहरा मनीष की उंगलियों का गर्म स्पर्श महसूस कर न सका।